पिताजी बाहर निकले, एकदम उन्हें शक हुआ कि कहीं चोर उर वगैरह हैं, तो वो गए वहाँ पर, देखा तो उन्हें गोली मार दी। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यूपी के जिला बरेली में भैंस चुराने में नाकाम बदमाशों ने बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। वो घर के अंदर सो रहे थे, बाहर आहट हुई तो जाग गए, अंधेरे में परछाई देखकर टोका और थोड़ा आगे चले गए। ये बात बदमाशों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने गोली चला दी। गोली की आवाज गूंजी और घरों में गहरी नींद में सोए लोग घबरा कर जाग गए। वजह जानने के लिए कुछ घरों से बाहर निकल आए, देखा तो 65 साल के वीरेंद्र अपने घर से थोड़ा आगे जमीन पर पड़े थे। उनके सीने के पास गोली लगी थी, वहां से खून निकल रहा था, सांसों की डोर टूट जाने से जिस्म बेजान हो चुका था। रात में 1 बजे हुई घटना की सूचना पुलिस को दी गई। नवाबगंज थाने से पुलिस ग्राम हरदुआ गोटिया पहुंच गई, मौका मुआयना किया, बदमाशों के भागने के रास्ते को लेकर ग्रामीणों से बात करके अंदाजा लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी, बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पहले ही बदमाश गांव से भैंस चोरी करके ले जा चुके हैं। आइए आपको मृतक के बेटे को सुनवाते हैं कि उन्होंने हमें क्या जानकारी दी है, फिर आपको बताएंगे कि एसपी देहात का इस मामले में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गोपाल सरन है। गोपाल जी कहाँ रहते हैं आप? जी हरदुआ गौटिया नवाबगंज बरेली। क्या घटना हुई थी पिताजी के साथ? जी पिताजी के साथ वो बाहर निकले, एकदम उन्हें शक हुआ कि कहीं चोर उर वगैरह हैं, तो वो गए वहाँ पर देखा तो उन्हें गोली मार दी तुरंत। कहाँ की घटना है? गांव की, बिल्कुल गांव की बात है। कुछ पता लगा चोर कहाँ के थे, क्या करने आए थे, कहाँ पे डके? जी वो कुछ चोरी करने के हिसाब से आए थे सर। घर की घटना है? जी हाँ। कहाँ लेटे हुए थे? जी जहाँ डंगर बनते हैं, जो जानवर बनते हैं, वहीं पर लेटे हुए थे दो भाई, और पहले कुंदी खड़खड़ाया, उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल गए तो जब उन्होंने देखा कि बाहर निकल के बाहर की तरफ एक सौर पैनल लगा हुआ है खेत में, बिल्कुल पास ही में है गांव के, वहाँ पर गए और वहीं पर उन्हें मतलब गोली मार दी। कितनी गोली मारी? जी एक गोली मारी थी। थी। यहाँ आपको कैसे पता लगा था कि उनकी डेथ हो गई? जी एकदम आवाज हुई थी, सारे लोगों को पता चल गया था, गांव के सभी लोग भाग खड़े हुए एक तरह। जी सर। मौके पे ही जी किस समय की घटना रही हुई? जी करीब 1 बजे। अभी तो कोई पकड़ा गया, कहाँ के चोर थे कुछ पता लगा? नहीं अभी पता नहीं, जानकारी नहीं। पहले भी गांव में कोई चोरी वोरी हो रखी? जी हाँ हो रखी थी, करीब 1 महीने पहले भैंसे खुली थी लोग पास ही में, तो उसी चक्कर में आए थे वो लोग, एक बार तो ले गए, दोबारा फिर आए थे। क्या करते थे पिताजी? पिताजी खेती करते हैं। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 को रात्रि लगभग 1 बजे ग्राम हरदुआ गोटिया थाना नवाबगंज में वीरेंद्र पुत्र लालता जो कि 65 वर्ष के हैं, उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार के हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों से तहरीर लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। बहरहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है, पता किया जा रहा है कि बुजुर्ग की हत्या भैंस चोरी में नाकामी के सबब हुई है या फिर कुछ और मामला है, उसके लिए अभी इंतजार करना होगा।